देखिए 9.2 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली। मैंने इसकी सॉल्यूशन भी आपको भेज दी। आई होप आप लोगों ने सबने नोटबुक में काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब देखिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। ओपन ईयर पेज नंबर 89। देखिए बच्चे एवरेज ऑफ क्वांटिटी शोन बाई बारग्राफ। आपको इस एक्सरसाइज में दो बारग्राफ दिए गए हैं। इन बारग्राफ के बेसिस में यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ईजी है बेटा। द एडजॉइनिंग बार चार्ट इंडिकेट द क्वांटिटीज ऑफ मिल्क अवेलेबल इन 4 शॉप्स ऑन ए पर्टिकुलर डे। आपको ये दिए गए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ शॉप्स हैं और यहाँ मिल्क की आपको कितनी दी गई है मेजरमेंट। ठीक है, टोटल आपका मिल्क है 11 kg और यहाँ ए बी सी यू हैव गिवन 4 शॉप। ठीक है, 4 शॉप दी गई हैं जिसको हमने बार के थ्रू शो किया है। देखिए इसके बेसिस में आपको भी क्वेश्चन करने हैं। हाउ मच मिल्क डिड द शॉप्स हैव ऑन दैट डे। आपको इसमें बताना है कि कितना उस शॉप में, टोटल शॉप में कितना मिल्क टोटल था। तो देखिए आप कैसे निकालेंगे, ये जो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर ए का हो गया, ए का है 9, बी का है आपका 11, सी का था 7 kg, डी का है आपका 6 kg। तो आप इनको प्लस कर देंगे, 9 + 11 + 6 + 7 + 6 आपका हो गया 33 kg। तो आपका टोटल उस दिन, उस डे पे 33 kg का मिल्क अवेलेबल था। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट। विच शॉप हैड द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क ऑन दैट डे। देखिए जैसे कि आपको देखने से पता चल रहा है कौन सी शॉप में लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क था। ए का बार देखिए, बी का देखिए, सी का देखिए, डी का देखिए। सबसे बड़ा किसका है, बी का है। बी का यहाँ पर कितना है, 11 kg। तो आप यहाँ पर शॉप का नाम लिखना है कि बी शॉप का सबसे ज़्यादा मिल्क है। राइट, थर्ड पार्ट। व्हाट वाज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क अवेलेबल ऑन द 4 शॉप्स ऑन दैट डे। आपको इनका एवरेज निकालना है टोटल मिल्क का। देखिए जैसे आपका ए, ये आपका है ए का, ये आपका है बी का, ये है सी का और ये डी का। अब आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, 9 + 11 + 6 + 7 आपका हुआ 33 डिवाइडेड बाई 4। क्यों, क्योंकि टोटल आपके 4 शॉप्स हैं। एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है ना, सबका टोटल करते हैं और जितने दिए जाते हैं उनको नीचे लिखते हैं। 33 डिवाइडेड बाई 4 यू विल गेट 8.25 kg। तो इसका एवरेज आया आपका 8.25 kg। सही है बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द बार चार्ट इंडिकेट द हाइट्स ऑफ 6 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। आपको यहाँ पर 6 चिल्ड्रंस में क्या दी गई है, उनकी हाइट दी गई है। ये आपकी हाइट है सेंटीमीटर में और ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। राइट, अब आपको क्या करना है, रीड देयर हाइट एंड फाइंड द एवरेज हाइट। अब आपको इनकी हाइट, आपको इनकी संजय, राजीव, अमित, अजय, दिनेश, अंचित, इनकी हाइट। संजय की हाइट कितनी है, 135। ठीक है, राजीव की है आपकी कितनी, 140। अमित की है 150। देखिए जहाँ तक ये चार्ट है हम उसकी यहाँ पर हाइट लेते हैं। अजय की कितनी है, 145। उसके बाद अजय के बाद है दिनेश की है 160। देखिए यहाँ तक है तो ये आपका 160 पर है। अभी इसको यहाँ से टैली करेंगे, ये आपका है 150। ठीक है, अब हमने यहाँ पर टोटल हाइट लिख ली, 135 140 150 145 160 150। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 6। क्यों, क्योंकि टोटल आपके 6 बच्चे हैं। हमने इनको ऐड किया तो आया 880/6। तो कितना आ गया, एवरेज हाइट हुई आपकी 146.66 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, अब आपकी इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, 9.3 कंप्लीट। तो बेटा आप लोगों का 9 एक्सेस यूनिट ख़त्म है एवरेज। आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम टाइम में जब आप रिवीजन करेंगे तो बुक कॉपी से करेंगे ना, तो आपकी पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए स्टार्टिंग से। कॉपी में सेकेंड टर्म लिखिए, डेट डालिए, उसके बाद यहाँ 9 यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ये वाली एक्सरसाइज आप इसमें ही करेंगे, ठीक है, और 9.2 आप नोटबुक में करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज भी आप नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो अब आपका 9 यूनिट ख़त्म। देन नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट योर नेक्स्ट यूनिट परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।